नमस्कार दैनिक शिवचाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। और वो जानकारियां क्या है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द हमारे रूबरू हुई ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंचे। सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं, कुछ कंपनियों ने, टेली कम्युनिकेशन कंपनियों ने 5G की सेवा शुरू कर दी है, ये मुबारक की बात है। पर एक सवाल हम अपनी जनता से करना चाहेंगे, इन टेलीकॉम कंपनियों से करना चाहेंगे, क्या आज तक आपने पूरी 4G की सेवा दी है, वो प्रदान की है, फिर आप 5G को प्लस को लाइए। सबसे बड़ी बात है आपने टैरिफ जो है वो महंगे कर दिए हैं, जो प्लान है यानी वो महंगा कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि महीने के आज तक हमने सुना था 30 दिन होते हैं, पर हम जब कोई प्लान करवाने जाते हैं इसका किसी भी कंपनी का, तो उसमें 27 दिन का मिलता अवधि मिलती है, यानी 3 दिन तो आप वहां से हमारे खा जाते हैं जनता के। उसके बाद जो प्लान है महंगे की महंगा करी जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बात, यानी के आप इंटरनेट की तो बात ही छोड़िए, वहां पर कॉलिंग भी अगर हो जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। कई ऐसे बॉर्डर एरियाज के जगह हैं, हम वहां पर खुद जाकर देखा है कि लोग पैक तो करवा देते हैं पर ना उनकी कॉलिंग चलती है ना उन्हें इंटरनेट की सुविधा प्रदान होती है। ये किस तरह के टैरिफ आप ला रहे हैं, किस तरह कंपनियां, किस तरह से जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम 4G का रिचार्ज करवाएंगे तो 2G भी मिल जाए वो बड़ी बात है। अगर जो भी समय देख रही है आप भी बताइए, घर में अगर वाईफाई लगाया वो भी उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है, कब वाईफाई ढीला हो जाए, चरमरा जाए, कोई पता नहीं। तो फोनों के नेटवर्क की तो बात ही छोड़िए, यानी कहीं भी खड़े हो ऐसे वो उसकी सांस रुकने लगती है कि अगर हम भी लाइव कई बार कर रहे होते हैं तो लोगों की शक्लें ही नहीं दिखती हैं, यानी इस कदर नेटवर्क कमजोर हो जाता है कि लोगों को लगता है खुद ही हमने ब्लर किया है, कौन बाइट दे रहा है, कौन नहीं काम कवर कर रहे, वो चीजें ही क्लियर नहीं होती हैं, यानी ब्लर आती हैं। इस तरह की स्थिति है टेली कंपनी, जो भी जितनी भी ये कंपनीज हैं जो 5G का कर रही हैं, मे भी आने वाले समय में 5G शो तो हो रहा है पर क्या 5G की सुविधा मिल रही है, क्या 5G की तरह इंटरनेट स्पीड मिल रही है, शायद ये जनता के को बात ही है जो हम आप तक ला रहे हैं कि 27 दिन का जनाब कौन सा महीना होता है। क्या यहाँ के सरकार प्रशासन ने सोचा, टेलीकॉम कंपनियों ने इस तरह का टैरिफ निकाला तो है पर वो 27 दिन की अवधि क्यों, एक महीने की अवधि क्यों नहीं, 28 या 27 दिन की अवधि क्यों, पैसे जब हम पूरे महीने के पैक के देते हैं 2 या 3 दिन कम हम क्यों ले। और उसके बाद भी ये जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की रुझान हमें आए उसी के चलते आप तक ला रहे हैं। और क्या ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर अगर 300 का रिचार्ज है या 400 का रिचार्ज है, क्या आप हमें कंसेशन देते हैं, क्या उनके टैरिफ में आप कहते हैं कि आप इंटरनेट नहीं यूज कर रहे, आपके वहां कनेक्टिविटी नहीं, आप 200 रुपए आपको रिबेट कर देते हैं, यानी कंसेशन कर देते हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला, यानी अलग अलग तरीके से जनता से किस तरह से पैसा ऐंठा जाए। ये साफ तौर पर वही मुहिम चल रही है, यानी कुछ भी हो जनता की जेबों से किस तरह से पैसा निकाला जाए। जो भी समय में व्यूअर देखे आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या 5G प्लस कुछ कंपनियों ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है तो क्या आपको 4G का भी पूरा लाभ मिल रहा है, क्या जो घर में आप वाईफाई लगाते हैं वो ही सही नहीं तो खुद सोचिए 4G और 5G का क्या कहेंगे। यानी जब भी आप कहीं जाएंगे, कुछ ऐसे एरिया वहां पर, शहरों की भी अगर हम बात करें वहां पर तो 4G क्या 2G भी चले तो बड़ी गनीमत है जनाब। और उसी के चलते चलते आप में भी आने वाले समय में और महंगे हो जाएं, आपको पता चले जब आप रिचार्ज करवाने जा रहे हैं आपको 5G के प्लस के दाम दे रहे हैं, यानी 5G प्लस इतनी तेज कनेक्टिविटी है पर 2G आप देखिए अभी भी अगर हम खोलेंगे ना 15 मिनट लग जाएंगे हमें अपना पेज खोलने में, और अगर कुछ अपलोड करना हो, कोई वीडियो कोई गलती से बिना वाईफाई के करनी हो तो वो तो आप सोचिए घंटा लग गया, 1 घंटा लग जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों ने क्या बिगाड़ा जनाब, आप उनसे पैसे पूरे लेते हैं, पूरी वसूली करते हैं, उसके बाद भी उन्हें इंटरनेट की सुविधा तो दूर, उन्हें कनेक्टिविटी नहीं मिलती, तो क्या जो कंपनीज हैं उन्हें रिबेट दे रही हैं, क्या कंपनी उनके टैरिफ को कम कर रही हैं, क्या उन्हें कंसेशन दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं जनता के हित की बात है, ये जनता के लिए है। आप जो भी समय देख रहे हैं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप अपनी राय जरूर हम तक रखिए कि जम्मू में कुछ कंपनियों ने 5G प्लस लॉन्च कर दिया, क्या आज तक हमें
4G की सर्विस पूरी तरह से सुविधाएं मिली हैं, क्या उस तरह से इंटरनेट मिला है, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ मिला है, यानी 4G का करवाते वो भी चरमराया हुआ है, कब वो दम तोड़ दे आपको नहीं पता, कब हम लोगों कई लोगों का ऐसे काम होते जो ऑनलाइन से अपना बिजनेस करते हैं, कब उनकी सर्विस ठप हो जाए, कब उनका यानी कि ये लगे सांस टूटने लगे नेट की, तो शायद आपको नहीं पता कई बार आपका नुकसान भी होता है, कई बार हमारा भी नुकसान होता है जब हम लाइव कर रहे होते हैं, कितनी बार तो हमारे इंटरनेट टूट जाता है। 4G का है हाल है तो आप खुद सोचिए 5G प्लस का क्या हाल होगा। क्या वाकई लगता है जो 30 दिन का पहली बार सुना है हमने कि 30 दिन का महीना होता है, हम सुन रहे हैं कि जिस तरह से हम टैरिफ करवाते हैं जाकर तो 27 दिन का हमें मिलता है या 28 दिन का मिलता है, 2 या 3 दिन तो वहां से भी आप लोगों ने खा लिए, आपने पैसा तो ले लिया जनता से पर उसकी भरपाई नहीं की, और साथ ही साथ उसके कहेंगे आपको कि गांव में इवन के क्या आपने उन लोगों को ये सुविधा दी, क्या आप लोगों ने उनके टैरिफ को कम किया, अगर 200 का प्लान है क्या आपने कहा कि ये लोग नहीं नेट चलाते, यहाँ सुविधा नहीं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हम इनका 100 रुपये कर दें। एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है और ये जनता के हित की बात है। क्या 5G प्लस से जनता को फायदा होगा या नुकसान, अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, छोड़े रिया से मार से अगले अपडेट के लिए जय।